रब बना फ़फरलना गनू बना वकफ़ फिर सै आतना वतवफ़ फना मालबर अजीज़ा निगरामी हैदर टी वी की जानिब से मैं आपका मेज़बान मौलाना सैयद मोहम्मद अली जाफ़री आपकी खिदमत अगदस में हाजिर हूँ और इस सिलसिले के लिए जो मौजू मतखब किया गया है वो हकीकत ईमान और मकतदयात ईमान हैं जनाब आपकी ख़िदमत में सूर्य आल इमरान जो कि कुरान मजीद का तीसरा सूर है और इसकी आयत करीमा के जिसका निशान एक सौ तिरानवे है पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया है इरशाद इज़्ज़त होता है उलुल अलबाब के कौल की हिकायत करते हुए उलुल अलबाब कहते हैं ए हमारे रब हमने एक निदा देने वाले को निदा देते हुए सुना है कि वो निदा देता है पुकार पुकार के कहता है कि अपने रब पर ईमान ले आओ लिहाजा हम ईमान लाते हैं ए हमारे रब हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा और हमारा खात्मा अबरार के साथ करार दे अज़ीज़ा निगरामी इस आयत के जेल में आपकी ख़िदमत में हकीकत ईमान और मुक्तियात ईमान को पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और जिस नतीजे तक हम पहुँचे थे वो नतीजा ये है कि अल्लाह तबारक व ताली ने इस दुनिया में इंसान को ये सलाहियत दी है कि वो ज़ाहिर दुनिया से बातिन दुनिया तक का सफ़र तय कर सकता है ज़ाहिर दुनिया से असरारे इलाहिया को दर्क कर सकता है लेकिन इलाहिया का दर्क ज़रूरी है कि ईमान की कश्ती के ज़रिए हो अगर ईमान की कश्ती ना हो तो इंसान इस सफ़र को तय नहीं कर सकता लिहाजा ईमान का होना ज़रूरी है और इसके लिए आपकी ख़िदमत में दो मिसालें पेश की थी कि जनाब याकूब ने महके यूसुफ को महसूस किया अली और औलाद अली ने महके मोहम्मद मुस्तफा को महसूस किया लेकिन याकूब के अलावा और इस महक को महसूस नहीं कर पाए अली और ओलाद अली के अलावा उम्मत इस महक को महसूस नहीं कर पाई लिहाज़ा जिस क़त के ज़रिए याकूब ने अली और औद अली ने इस महक को महसूस किया उस क़त को क़त ईमान कहते हैं उस वसीले को वसीला ईमान कहते हैं लेकिन जनाब आप जानते हैं कि ये दौर जो है इलमी दौर है दानश्वरों का दौर है चूँकि सोशल मीडिया का दौर है वो अहादीस कि जिनको इकट्ठा करने में जिनको जमा करने में हमारे उलमा ने काफ़ी जस्तजू की है काफ़ी जद्दोजहद की है दूर दूर के सफ़र इख्तियार किए हैं अदीस को समझने के लिए मुख्तलिफ मख्तलफ़ल का इहाता किया है मुख्तलिफ मख्तलू को पढ़ा है उनको समझने के लिए लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर है वो अदीसें आप रोज़मर्रा के दस्तूर पे अपने मोबाइलों में देखते रहते हैं बल्कि अपनी ज़बान में देखते रहते हैं लिहाजा अहादीस को अहादीस को अपने मोबाइल में हम हर रोज़ देखते रहते हैं लिहाजा जनाब हो सकता है कोई कह दे कोई इश्काल कर दे कोई एतराज़ कर दे कि जनाब याकूब ने अगर यूसुफ़ की महक को महसूस किया तो यूसुफ़ नबी थे याकूब नबी थे लिहाजा नबी नबी की महक को महसूस कर सकता है नबी का नबी की महक को महसूस करना समझ में आता है लेकिन अली और अलीलाद अली उम्मत का इजमा है कि मोहम्मद मुस्तफा के, के बाद कोई नबी नहीं है मोहम्मद मुस्तफा के बाद दर नबूत बंद है अली व औलाद अली गर्चे के इमाम हैं मोहम्मद के जानशीन हैं लेकिन नबी नहीं हैं चूँकि अल्लाह तबारक व ताला ने इस सरज़मीन पर इस दुनिया में पाँच बड़े कमालात नाजिल फरमाए हैं कमाल अब्दियत है कमाल नबूवत है कमाल रिसालत है कमाल खुल्लत है और कमाल इमामत है हर मरतबा अपनी सनखियत वाले को दर कर सकता है नबी नबी की महक को महसूस कर सकता है रसूल नबी की महक को महसूस कर सकता है लेकिन वो शख़्स वो बंद मोमिन जो ना नबी हो ना रसूल हो किस तरीके से मुमकिन है कि वह नबी की महक को महसूस कर ले लिहाज़ा जनाब अल्लाह तबारक व ताली ने मोहम्मद मुस्तफ़ा पर जो शरीयत नाजिल की है वो त्यामत तक की शरीयत है शायद अल्लाह का रसूल जानता था कि ये सवाल उठ सकता है इस वजह से अल्लाह के रसूल ने उसी चादर किस्ा के मौके पर इस सवाल का जवाब भी दे दिया अगर आप हदीस किसा का मताल करें तो उसमें क्या जुमला है इन नुम मिन्नी व अना मिन हम अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि ये मुझसे हैं और मैं इन से हूँ लिहाजा अगर अली और ओलाद अली रसूल की महक को महसूस कर रहे हैं तो ये इस वजह से हैं चूँकि ये एक शजरे से हैं इसी वजह से रिवायात में क्या मिलता है कि अवलुना मोहम्मदन अवसतुना मोहम्मद व आखिर ना मोहम्मदन किम का अव्वल भी मोहम्मद है औसत भी मोहम्मद है आखिर भी मोहम्मद है लिहाजा अजीज़ा ग्रामी असरार ईमान की क़ुत के ज़रिए हासिल किया जा सकता है लेकिन मुझे ईमानदारी से बताइएगा अगर हकीकत ईमान ही ना पता हो अगर वो कश्ती ईमान के जिसके ज़रिए से बातिन दुनिया तक पहुंचा जा सकता है उस कश्ती ईमान पर सवार ही ना हो तो किस तरीके से बातिन दुनिया तक पहुंचा जाएगा बातिन दुनिया तक पहुंचने के लिए उस कश्ती पर सवार होना होगा और उस कश्ती पर सवार होने के लिए उस कश्ती की मार्फत ज़रूरी है पहले ईमान की हकीकत मालूम होगी कि ईमान कहते किसे हैं फिर उसके बाद उस ईमान के ज़रिए इलाहिया को दर्क किया जा सकता है लिहाजा अजीज़ा ने ग्रामी ईमान की मार्फत के बारे में कायनत के रसूल की हदीस है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला यद खलो ला यद खलुलजन्नता आहदन फी ही मिसकाल हब बतिन मिन खर दलिन मिन किबर वलायद खुल्नारा अब्दुल फी ही मिसकाल हब बतिन मिन खर दलिन मिन ईमान अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं लायद खुल्नता जन्नत में कोई दाखिल नहीं हो सकता जन्नत में ऐसा शख्स कभी दाखिल नहीं हो सकता फी ही मिसकाल हब्बिन मिन खरदलिन मिन किबर के जिसके दिल में कि जिसके वजूद में तकबुर का ज़र्र बराबर भी हिस्सा हो अल्लाह के रसूल कह रहे हैं जो मतकबर इंसान है जिसमें तकबुर है जिस में किब्र है वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता आगे क्या फरमाते हैं वलायत ख़ुल्न्नारा अब्दुल और ऐसा बंद है खुदा कि जिसमें ईमान हो ईमान का ज़र्रा भी हो वो जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता लिहाजा जीज़ा गिरामी जिसके अंदर तकबर है वो जन्नती नहीं बन सकता और जो मोमिन है हकीकत ईमान का जिसको ज़र्रा भी मिल जाए वो जहन्नमी नहीं बन सकता लिहाजा ईमान जन्नतियों के लिए है तकबर जहन्नमियों के लिए है जनाब सवाल तो उठता है हम चले थे हकीक़त ईमान को पहचानने के लिए ईमान जन्नतियों के लिए है ये बात समझ में आती है तकबर जहन्नमियों के लिए है ये बात समझ में आती है लेकिन यहाँ से हकीकत ईमान किस तरीके से समझ में आती है तो जनाब अहादीस को समझने का कुरान की आयतों को समझने का एक अलग तरीक़ेकार होता है इसी वजह से इल्म दरायत जो है बाकायदा तफसील के साथ पढ़ा करते हैं फहम के लिए दर्क के लिए एक ख़ास तरीका होता है एक एक जुमला है रफुल अशिया ओ देहा के चीज़ों को उनकी जिद के जरिए पहचाना जाता है अल्लाह तबारक व ताली ने ईमान के मुकाबले में तकब्र को इस्तेमाल किया है कि मतकबर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता अल्लाह तबारक व अल्लाह तक... के रसूल ने तकबर के मुकाबले में ईमान को इस्तेमाल किया है कि मोमिन जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता लिहाज़ा जब तकबर और ईमान का आपस में मुकाबला किया गया है और ये कायदा अपनी जगह पर महकम है कि योरफुलशिया वजदाद हा के चीज़ों को ज़िद के ज़रिए पहचाना जाता है तो बात वाज है अगर तकबर की तारीफ़ कर दी जाए तो ईमान की तारीफ़ मालूम हो जाएगी और अगर ईमान की तारीफ़ कर दी जाए तो तकबर की तारीफ़ मालूम हो जाएगी जनाब तकबर क्या है कि जब अल्लाह के रसूल ये हदीस बयान फरमाते हैं तो एक शख्स खड़ा होता है कहता है या रसूल अल्लाह अगर मुतकबर शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता तो हम में से ऐसे लोग हैं जो अच्छे कपड़े पहनते हैं हम में से ऐसे लोग हैं जो अच्छी सवारियों पे सवार होते हैं चूँकि जनाब मतकबर उसी को कहते हैं मुआरे में मुतकबर किसे कहते हैं जो गोया के अच्छे कपड़े पहन के घूम रहा हो हम उसे मुतकबर कह देते हैं जो अच्छी सवारियों पे घूम रहा हो हम उसे मुतकबर कह देते हैं हमारी निगाह में मुतकबर हो सकता है लेकिन कायन के रसूल की निगाह में मतकबर है या नहीं अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि नहीं ये शख्स मुतकबर नहीं है बल्कि मतकबर कौन है इन नमल किब्रमन तकबरा अनविला व अनकरा मरफत आइमतना अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मतकबर वो है जो हमारी विलायत का इनकार करे मतकबर वो है जो हमारी विलायत के मुकाबले में अकड़ कर खड़ा हो जाए मतकबर वो है जो हमारे हम में से होने वाले आइम्मा की मारफत का इनकार करे लिहाज़ा जनाब अल्ला तबा अल्लाह अल्ला के रसूल जो है तकबर की निशानी बयान फरमा रहे हैं तकबर की तारीफ़ बयान फरमा रहे हैं जब तकबर की तारीफ़ वाज़ हो गई तो उस कायदे के मुताबिक ईमान की तारीफ़ वाज़ हो गई ईमान वो है कि इनकी विलायत का इकरार किया जाए ईमान ये है के रसूल के बारह जानशीनों की इमामत का इकरार किया जाए लिहाजा जनाब नतीजा क्या निकला कि जो इनकी विलायत का इकरार करता है जो इनकी इमामत का इकरार करता है वो जहिर दुनिया से बातने दुनिया तक का सफर कर सकता है ये और बात है इकरार करने के साथ अगर तस्दीक भी करे, मरूफ जुमला है इनको मानने के साथ अगर इनकी भी माने तो वो सलमान की फहरिस में से नजर आता है वो बुज़र की फहरिस्त में से नज़र आता है लिहाजा जनाब अल्लाह के रसूल की इस हदीस के मुताबिक ईमान क्या है कि इनकी विलायत का इकरार करना ईमान क्या है इनकी इमामत का इकरार करना जनाब यही वजह है अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि मोमिन जहन्नम में नहीं जा सकता मोमिन को आग जला नहीं सकती और मतकबर जन्नत में नहीं जा सकता जनाब इसी वजह से तारीख में हमें एक वाक़ मिलता है सफ़ान बिन अकहुल ये शीआन अली में से है अली के शिया होने का दावा करता है एक रोज़ मेरे मौला के पास हाजिरी देता है मेरा मौला जो है कजावत के मिंबर पर बैठा हुआ है मेरा मौला उम्मत के दरमियान फैसले कर रहा है मेरे मौला के पास हाजिर होता है मेरे मौला के पास हाजिर हो के क्या कहता है कि या अली मैं आपका शिया हूँ मैं आपका चाहने वाला हूँ मैं आपसे मोहब्बत करने वाला हूँ लेकिन ए अली मैंने इस दुनिया में रहते हुए बड़े गुनाह किए हैं मैं चाहता हूँ कि इन गुनाहों की सज़ा इसी दुनिया में भुगत लू चूँकि अली इस दुनिया की आग को सह सकता हूँ उस कादरे मुतलक की जलाई हुई आग को नहीं सह सकता इस दुनिया की आग को बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन उस मुंतकम मुतलक की भड़काई हुई आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता अली क्या कहते हैं ए बंदा खुदा जरा बता तो तूने कौन कौन से गुना किए हैं तेरे गुनाहों में से जो सबसे बड़ा गुनाह हो उस गुनाह के बारे में बता वो कहता है या अली मैं लवात का आदि रह चुका हूँ जनाब लवात समझते हैं ना किसे कहते हैं इख्तिसार के साथ अगर औरत के साथ बदफेली की जाए तो उसे जिना कहते हैं अगर मर्द के साथ बदफेली की जाए तो उसे लवात कहते हैं अली मैं लवात का आदि रह चुका हूँ मैं अपने गुनाहों से तोबा करना चाहता हूँ मैं इकरार कर रहा हूँ मैं नादिम हूँ यही तौबा है याली इसी दुनिया में सज़ा पाना चाहता हूँ ताकि आखरत में सज़ा ना मिले अली क्या कहते हैं ए बंद खुदा इसकी तीन सज़ाओं में से एक सज़ा है अगर तू राजी हो तो मैं तुझ पर जुल्फिकार का एक वार करूँ अगर तू राजी हो तो तुझ पर दीवार को गिराया जाए और अगर तू राजी हो तो तुझे जिंदा आग में जला दिया जाए इस गुना की ये तीन सजाएं हैं इन तीनों सजाओं में से कोई एक सजा अपने लिए इख्तियार कर ले जनाब साहेब किताब लिखते हैं कि जब वो इन तीन सजाओं को सुनता है और मेरा मौला इसे इख्तियार देता है तो ये कहता है कि मैं सख्त तरीन सज़ा को इख्तियार करूँगा और वो आग में जलने को इख्तियार करता है कहता है या अली मैं चाहता हूँ कि मुझे आग में जलाया जाए ताकि दुनिया में दुनिया की आग में जल जाऊँ मगर आखरत की आग से बच जाऊँ अजीज़ा ने ग्रामी ये दुनिया की आग को तस्लीम कर लेता है मगर जानता है कि आखरत की आग अजीब आग है लिहाजा मेरे अली कहते हैं अली कहता है कि जा अपने घर जा और वसीयत कर ले जो कुछ फ़राज़ हैं उनको अंजाम दे दे कल सुबह आइयो तुझे सजा दी जाएगी वो घर जाता है जो वसीयतें करनी होती है वो वसीयतें करता है जो फराइज अंजाम देने होते हैं उन फराइज को अंजाम देता है मेरा मौला सुबह जो है नमाज फजर पढ़ा के कम्बर से कहता है कि जाओ कूफे में ऐलान करो कि आज अली अपने शिया को जिंदा आग में चलाएगी जनाब यहां पर थोड़ी सी आपकी तवजुहत हाँ चाहूंगा अली क्या कहते हैं कि जाओ कोफा में ऐलान करो कि आज अली अपने शिया को ज़िंदा आग में जलाएंगे। कंबर जाते हैं ऐलान करते हैं जनाब आपको करबला का वाक़ याद है ना कि करबला में हम पे एक तहमत लगाई जाती है कि करबला में शिया थे लिहाजा हुसैन को शियों ने ही कत्ल किया है जनाब इस पस मंजर को अपने अजहा आलिया में रखिएगा और ये जो रिवायत ये जो वाक्य आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ इस वाक्य को इसके साथ मर्च करके नतीजा निकालिएगा कम्बर जाके ऐलान करते हैं जब कूफे वालों की समात में ये बात आती है ये निदा आती है कि आज अली अपने शिया को जलाए के तो कहने वाले कहते हैं कि हमने सुना है शिया कहते हैं कि अली का मुहब अली का शिया इसको आग जला नहीं सकती तारीख का वाक्य है जना कि शिया कहते हैं कि अली के शिया को आग नहीं जला सकती और आज अली अपने शिया को आग में जलाएगी लिहाजा बदलत इमामतों लिहाजा जब अली का शिया आग में जल जाएगा तो अली की इमामत बातिल हो जाएगी जनाब ये कौन कह रहा है तारीख कह रही है ये कूफे के लोग कह रहे हैं अब आपका जौके सलीम है कि कूफे में कौन था बस एक मरतबा कोफे में ऐलान किया जाता है जब अली ये जुमला सुनते हैं तो उस सफान बिन अखुल को लकड़ियों से भर दिया जाता है कमो बेश हजार लकड़ियाँ थीं कि जिससे सफान बिन अकुल को भर दिया जाता है और जो है जलती हुई लकड़ी खुद उसके हाथ में दी जाती है कि तू खुद अपने आप को आग लगा और अली एक जुमला कहते हैं कि अगर तू अली का शिया है तो आग तुझे छू तक नहीं सकती और अगर तू अली का शिया नहीं है तो आग तेरी हड्डियों तक को भस्म कर देगी जनाब तारीख कहती है कि वो अपने आप को आग लगाता है नो आग उसके लिबास को भी छू नहीं पाती असीसा ने गिरामी मालूम हुआ अली इब्ने अभी तालिब गर गुनागार को छोड़ते नहीं गर्चे के शिया हो तो आग मोमिन को जलाती नहीं गर्चे के गुनागार हो लिहाजा अजीज़ा ने गिरामी यहाँ अगर ख़ुलासा करना चाहें तो ख़ुलासा कलाम क्या है कि वो ईमान के जो बातें दुनिया तक लेके जाता है वो अली इब्ने अभी तालिब की विलायत का इकरार है कायनत के रसूल की हदीस है जो बातें ने दुनिया तक लेके जाता है वो अली और औलाद अली की इमामत का इकरार है अलहमद रब्बिल आलमीन